ये तो आप सभी को पता है कि अगर आप व्हील के नट को ठीक तरीके से टाइट नहीं करेंगे तो चलती हुई गाड़ी में नट खुल सकते हैं और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर आप इन लग नट को गलत तरीके से टाइट करते हैं या फिर जरूरत से ज़्यादा टाइट करते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले नुकसान की। आप जैसे देख पा रहे हैं इस बोल्ट को, ये बोल्ट लगा हुआ है इस हब में और ये हब कनेक्टेड है डिस्क रोटर के साथ। और जैसे आप इस नट को कसते हैं इसमें तो क्या होता है, इस बोल्ट को नट बाहर की तरफ खींचता है। बाहर की तरफ खींचने पर इस हब पे खिंचाव आता है। खिंचाव आने से ये जो रोटर है वो भी हल्की सी बाहर की तरफ आ जाती है, यानी कि इस पर भी खिंचाव आ जाता है। खिंचाव आने से होता क्या, जब आप अपनी गाड़ी पे ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक में वाइब्रेशन फील हो जाएगी, क्योंकि ये जो रोटर है इसमें प्ले आ चुकी है। उससे नुकसान क्या है, आपके जो ब्रेक पैड है वो जल्द से जल्द घिसने लग जाएंगे। उसके साथ ही जो आपकी डिस्क रोटर है उसका जो है वियर एंड टियर भी जल्दी होगा। और अब बात करते हैं दूसरे नुकसान की। अगर इसमें इस हब में खिंचाव आ जाएगा तो आप इसमें अपने व्हील को अगर लगाएंगे तो वो प्रॉपरली फिट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो आपका व्हील है प्रॉपरली बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ पर व्हील जो है हल्का सा बाहर की तरफ रहेगा, जिससे कि आपका टायर तिरछा रहेगा और आप जब गाड़ी चलाएंगे तो आपका टायर इस तरीके से हिलेगा, यानी कि बबलिंग करेगा। और जब आप इसमें लगे हुए नट को जरूरत से ज़्यादा कसते हैं तो इस बोल्ट में भी खिंचाव आता है, इस बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है और ये बोल्ट आपका टूट सकता है। इसलिए बोलते हैं कि जो लग नट है उसको प्रॉपर तरीके से कसिए और उसमें ज़रूरत से ज़्यादा टॉर्क अप्लाई ना कीजिए। तो अब मैं आपको बताऊँगा इन लग नट को कसने का सही तरीका क्या है और कैसे आप प्रॉपरली इनको कस सकते हैं, जिससे कि आपके जो हब है, आपके जो डिस्क रोटर है, उसको नुकसान ना पहुंचे। तो सही तरीके से पहले मैं गलत तरीके की बात करना चाहूँगा कि लोग अक्सर करते क्या हैं। लोग क्या करते हैं, जैसे कि उन्होंने इस नट को टाइट किया, जैसे मैं इस नट को टाइट कर रहा हूँ, उसके बाद सीधे इस नट को टाइट करते हैं, जबकि ये गलत है। नट को हमेशा डायगोनल वे में, डायगोनली इसको टाइट करना चाहिए। इसके बाद मैं सीधे इस नट को टाइट करूंगा, जो कि ये बिल्कुल सही तरीका है। प्रॉपरली टायर इसमें जो है टाइट होता है। उसके बाद ये वाला डायगोनल वे पे, इनको प्रॉपर टॉर्क भी ऐसे देना है आपने। और इसमें ट्रक की तरह खड़े होके वजन लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना टॉर्क दीजिए कि प्रॉपरली टाइट हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने अपना 80, 90, 100 किलो का वजन आप इस स्पैनर पर रख रहे हैं, ऐसे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो लग नट है प्रॉपरली टाइट हो चुके हैं और ये हमारा व्हील प्रॉपरली रिप्लेस हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए। और मैंने वीडियो उस पर भी बनाई है कि प्रॉपरली टायर को रिप्लेस कैसे करें। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को डालने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।